हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित और आप लोग देख रहे हैं अमित गेमर। तो आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कैसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं WDG 4D फ्रॉम द लर्निंग बेस वेबसाइट। तो गाइस, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा गाइस कैसे इंस्टॉल किया है मैंने लोकोमोटिव अपनी ट्रेन सिमुलेटर में फ्रॉम द लर्निंग बेस वेबसाइट। और वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस, और नीचे कमेंट में बताना कि आपका डाउनलोड होने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद आपका लोकोमोटिव ट्रेन सिमुलेटर की यार्ड में दिख रहा है या नहीं गाइस। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। तो गाइस, WDG 4D इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा अपने किसी भी ब्राउज़र में गाइस। इस वक्त मैं जा रहा हूँ अभी अपने MI ब्राउज़र में गाइस, देख सकते हो मैंने खोल लिया MI ब्राउज़र। देन दोस्तों, आपको गूगल पे सर्च करना होगा द लर्निंग वेज, जैसे मैं अभी सर्च कर रहा हूँ द लर्निंग वेज, इस तरह से आपको सर्च करना होगा। देन गाइस, आप लोग आ जाएंगे यहाँ इस पेज पर, आपको फर्स्ट लिंक पर जो है क्लिक करना होगा। देन दोस्तों, आप लोग आ जाएंगे इनकी वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं टू पार्ट्स में है ये, एक पार्ट में आपका एजुकेशन का है और दूसरे में आपको ट्रेंस। देन आपको आना होगा एडऑन्स पे। देन गाइस, आप देख सकते हो नीचे आपको आना होगा जहाँ पे लिखा है द लर्निंग वेज ओन थीम बेस्ड कंटेंट, इस पे आना होगा गाइस, इस पे क्लिक करिएगा। तो गाइस, मैं क्लिक कर लेता हूँ अभी इस पे। देन दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो चार लोकोमोटिव आपको देखने को मिलेंगे गाइस, WEB 7, WEG 9, WDG 4D और WDP 4D। हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं WDG 4D को। तो गाइस, हम लोग एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, WDG 4D पे एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइस। तो अभी मैं इसको जो है क्लिक कर देता हूँ, एंड्रॉयड में हम डाउनलोड कर रहे हैं तो एंड्रॉयड पे क्लिक करिए गाइस। देन आप आ जाएंगे इनके गूगल ड्राइव पे गाइस। गूगल ड्राइव पे जैसे ये लोड हो जाए तो आपको एरो वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आपका डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा लोकोमोटिव को। देन दोस्तों, आपको इसकी डिपेंडेंसीज भी डाउनलोड करनी होंगी गाइस। तो चलिए हम लोग डिपेंडेंसीज पे चलते हैं, डिपेंडेंसीज पे क्लिक करना होगा गाइस। देन दोस्तों, आप देख सकते हो डिपेंडेंसीज फॉर डीजल लोकोमोटिव्स, इस पे आना होगा गाइस। देन दोस्तों, देख सकते हो कितने सारे लोकोमोटिव्स हैं ये, इसमें से हमारा कोई नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आना होगा गाइस आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है डिपेंडेंसीज फॉर इंडियन रेलवेज WDG 4D डीजल लोकोमोटिव गाइस, इस पे क्लिक करना होगा गाइस। और गाइस, यहाँ से आपको ये डिपेंडेंसीज भी डाउनलोड कर लेनी होंगी। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ डिपेंडेंसीज को, और गाइस देख सकते हो ये मेरी डिपेंडेंसीज जो हैं डाउनलोड होनी शुरू हो गई हैं गाइस। तो गाइस, जैसे ही आपकी डाउनलोड हो जाएंगी तो मैं आपसे मिलूँगा ZArchiver में। तो गाइस, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ बंद कर देना है और आपको जाना है ZArchiver में गाइस, जैसे अभी मैं जा रहा हूँ ZArchiver में, आपको भी आ जाना होगा। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं ZArchiver में, आपको आना होगा डाउनलोड वाले फोल्डर में। देख सकते हो अभी मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में जाऊँगा। देन दोस्तों, आपको पहले तो जो है WDG 4D को एक्सट्रैक्ट करना होगा गाइस। इस तरह से एक्सट्रैक्ट करने के बाद स्किप कर लीजिए, उसके बाद WDG 4D की जो लोकोमोटिव डिपेंडेंसीज है उसको एक्सट्रैक्ट करिएगा। देन यहाँ से स्किप कर दीजिएगा, उसके बाद आपको WDG TLW WDG 4D पे क्लिक करना होगा गाइस। इस पर क्लिक करिए, देन इसको कॉपी करिएगा। देन गाइस, आपको जाना होगा डिवाइस मेमोरी में, एंड्रॉयड में, डाटा में। देन आपको आना होगा N3B में, फिर आपको आना होगा फाइल्स में, देन यूज़र डेटा, देन ओरिजिनल गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे अपने एडऑन्स जो हैं डिलीट कर दिए हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो गाइज़, मैं यहाँ पे #00 बनाऊंगा क्योंकि मैंने सारे जो हैं डिलीट कर दिए थे अपने एडऑन्स। आपका जो हैश चल रहा होगा आपको उसी अकॉर्डिंग वाइज बनाना है, तो मैं यहाँ पे जो है #00 बना रहा हूँ। देन दोस्तों, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। देन दोस्तों, आपको वापस आना होगा अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जहाँ पे आपने डाउनलोड करा है। देन लोकोमोटिव के जो डिपेंडेंसीज हैं इनको सिलेक्ट कर लेना होगा, WDG 4D की जो डिपेंडेंसीज हैं इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे मैंने सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया है, आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। फिर आपको एंड्रॉयड में, डाटा में, N3B, देन फाइल्स में, देन यूज़र डेटा में, फिर ओरिजिनल में आना होगा गाइज। सॉरी दोस्तों, अब ओरिजिनल में आने के बाद गाइज आपको एक नया हैश बनाना है। हैश मैं यहाँ पे बना रहा हूँ #01, क्योंकि 00 था ना मेरा, #01 बना रहा हूँ। आपको अकॉर्डिंग वाइज बनाना होगा अपना हैश। तो गाइज, ये बनाने के बाद आपको जो है SS.TDX डिलीट कर देना है गाइज।
ये डिलीट कर देना है गाइस, नहीं तो आपका लोकोमोटिव शो नहीं होगा। ये सब करने के बाद आपको सब कुछ बंद कर देना है और चुपचाप आ जाना है अपनी गेम के अंदर गाइस। और गेम के अंदर आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ लोकोमोटिव कैसा दिख रहा है गाइस। इस वक्त रेल यार्ड में आएंगे गाइस फिर हम। देन गाइस आप देख सकते हो WDG 4D आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देख सकते हो WDG 4D है जो है आ चुका है मेरे ट्रेन सिमुलेटर में गाइस। इसी तरह आप इस लोकोमोटिव को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप WDP 4D भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इसी सेम प्रोसेस से WDP 4D को भी इंस्टॉल कर सकते हो। लोकोमोटिव डाउनलोड करिए, उसकी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करिए, उसको एक्सट्रैक्ट करिए, हैश बनाइए, पेस्ट करिए उसको, और सेम टू सेम प्रोसेस अगर आप करोगे तो आपका WDP 4D भी आ जाएगा, जैसे कि ये WDG 4D आ गया है। तो गाइस अगर आपको समझ में आया हो कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपका लोकोमोटिव डाउनलोड हुआ है कि या नहीं, या शो हो रहा है या नहीं गाइस। और मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।